After exploring this beautiful valley called Lachen and the authenticity of this valley, we are now excited to head towards another amazing valley of North Sikkim called Lachung, which has some moon on its way. We are just excited to head towards it. You guys also keep enjoying with us. हमारे साथ चल रही है रिवर तिस्ता. कैन यू जस्ट सी दिस वन. पिछले आधे घंटे से हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, थोड़ा आगे थोड़ा रुक रहे हैं, लेकिन हम लोग फंस नहीं रहे हैं ना भैया. तो ये भी एक एक्सपीरियंस है. रास्ते में दबते जा रहे हैं. हम लोग की गाड़ी वहां पे है और ऊपर वाटरफॉल. मैं चाय पीऊंगा. कुछ नहीं है, ड्राई है. पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया तो बोले तो इसमें कुछ नहीं है. उधर नाली बह रही है एक छोटी सी. बताओ यार, देखो खुद देख लो. सुंदर लग रहा है. इतनी फ्रेश और इतनी ठंडी है. आप लोग जा रहे हो? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे नॉर्मली चलना पसंद ही नहीं है. फिसल के गिरोगे ना तो घंटा. वी आर हियर फॉर द चाय ब्रेक और उसके बाद 50 मिनट की दूरी है, उसके बाद लाचू. खत्म चाय ब्रेक, खत्म. This is the apartment that we've got. लंबा नहीं लग रहा है, बस खत्म नहीं हो रहा. मतलब पूरा वुडन है सारी चीजें. This is my room. रात भी हो चुकी है, हम लोग बहुत ट्रेवल भी कर चुके हैं, so a bit of tired. Oh, this is the beauty of Lachung. और रही बात पानी की, इट इज सजेस्टेड दैट आप रात को बकेट जो है भर के रखना, क्योंकि पानी जम जाती है और नल से पानी निकल नहीं पाती है. मेरी सांसें थोड़ी थोड़ी फूल रही है अब. और जो भी ज़रूरत की सामान है, कैरी ऑल ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. यहाँ के मौसम का कोई अता पता नहीं होता है. टूरिस्ट का ऐसा भी वो होता है कि टूरिस्ट आके यहाँ पे एक दो दिन रह जाते हैं, लेकिन बर्फ़ देखने को मिलता नहीं है. सो आई एम फीलिंग माई सेल्फ प्रीटी मच लकी अबाउट इट कि एक रात रह के मुझे स्नोफॉल दिख गई. एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज. इफ यू आर लविंग इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी सिक्किम आना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जैम है. रुकिए रुकिए, ये पकड़ ये पकड़. कहाँ से पकड़ो? जैम ले पहले दे दो. थैंक यू भैया. बर्फ की तरफ थोड़ा सा. वादियों में चारों तरफ स्नोफॉल और हाथ में चाय, कॉम्बिनेशन अलग है. मिलाचेन में भी ये चीज बोला था, कम एंड ट्राई. भैया ने शूट करके दी. हाँ जी, ये खिचड़ी के साथ खिचड़ी खाना था. यमथंग वैली जो है वो यही कहीं पे है, ढकी हुई सी है क्लाउड्स के बीचों में. भाई अगर वेदर अगर ठीक नहीं हुआ तो कंटिन्यू स्नोफॉल क्या 3 दिन या 2 दिन तक रहता है? रहता है. ये देखिए कल शाम रात से शुरू हुआ था थोड़ा बहुत, तो अभी और ज्यादा हो रहा है, इसका कुछ गारंटी नहीं है. अच्छा अच्छा, देखते हैं क्या होता है. होपिंग फॉर द बेस्ट. तो अभी हम लोग के सामने दिक्कत ये है कि जो हेवी स्नोफॉल हो रही है, इसके लिए हमको अपना जो आज का प्लान था रात तक सिलीगुड़ी पहुंचने का, वो नहीं हो पाएगा. Yeah.
ठीक है, बर्फ गिरना थोड़ा सा कम हो गया अभी, बिजली भी नहीं रहेगी तो अभी रात के टाइम पे यहाँ पे बिजली का होना इज समथिंग यू हैव टू बी लकी एनफ टू। जितने भी दारी थे लगभग सब निकल चुके हैं और हम ही लोगों का बचा है, सो वी आर होपिंग कि आज हम लोग निकल पाएंगे। हमारे जो ड्राइवर साहब है वो भी गए हैं रोड चेक करने, वहाँ से खबर आएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपको ना बर्फ में चलते वक्त इतना ध्यान रखना है कि जो वाइट स्नो है उसी पे पैर रखना है तो आपको अच्छा सा ग्रिप मिलेगा। इस ब्लैक स्नो पे आप पैर रखोगे तो आप स्किड कर जाओगे। पता नहीं आपका शक्ल ना वो कार्टून का बहुत सारे कार्टून का एक विलन है उनसे मिलता है। हाँ सच में उन्हें स्टैचू जैसे खड़े रहता है।